बिग बॉस के सेट से आई है सबसे बड़ी खबर, और ये सेट से जो खबर आई है इसके बारे में आपको बताना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वागत है आपका फीफा फूज में, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल बोझ। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो दनादन फॉलो जरूर करें। बिग बॉस के सेट पर से खबर आई है कि ये कंटेंडर्स नहीं आने वाले बिग बॉस के इस ग्रैंड फिनाले में। जी हाँ, कौन है ये कंटेस्टेंट, किसकी मैं बात कर रहा हूं तो सुनिए बात। एक तो है मिस्टर उमर रियाज, और उमर रियाज क्यों नहीं आ रहे ये बताऊंगा, साथ ही साथ दूसरे हैं, जस्ट अ सेकेंड। उमर रियाज की बात करें तो अभी रिसेंटली उमर का अनफेयर इविक्शन हुआ, बाप रे बाप। उमर से कई ज्यादा अनडिजर्विंग अभी शो के अंदर बैठे हुए हैं, टॉप 5 के अंदर बैठे हुए हैं, टॉप 6 के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं, उमर सबका गेम खराब कर रहे थे इसलिए उमर को टाटा बाय बाय कर दिया। अब उमर को टाटा बाय बाय कर दिया है दोस्तों यहां पर, तो साथ ही साथ अब मेकर्स के ऊपर ये है कि उमर को बुलाओ फिनाले के लिए, लेकिन उमर इज नॉट गोइंग टू कम। अकॉर्डिंग टू इंटरनल सोर्स दोस्तों आपको बता दूं तो उमर इज क्वाइट अपसेट विद द फिनाले थिंग, और इसकी वजह से ही रियली डोंट वॉन्ट टू एंटर इन साइड द बिग बॉस हाउस, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज अनदर वन कंटेस्टेंट हु इज सिम्बा नागपाल। जी हाँ, सिम्बा नागपाल की अगर बात करें दोस्तों तो सिम्बा नागपाल इज ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड टू कम इन दिस ग्रैंड फिनाले जस्ट बिकॉज ही इज नॉट फीलिंग वेल। सिम्बा नागपाल की खबर आई है कि कोरोना और पेंडेमिक के चलते थोड़े से वो इस चीज को अपसेट है, और थोड़ा सा वो चाहते हैं कि वो फिनाले में नहीं आए। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, अफसाना खान आएंगी, रितेश आएंगे, राखी सावंत आएंगी, और डोनाल्ड बिष्ट आएंगे, ये सब जो खिलाड़ी हैं ये लोग पहुंचेंगे बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले में, और देखना दिलचस्प रहेगा जिस तरीके से ग्रैंड फिनाले को शूट किया जाएगा। अब देखते हैं कि क्या सैटरडे संडे को दो क्या करेंगे ये भाई, क्या जादू करते हैं पता नहीं। आपको क्या है कहना मुझे जरूर बताएं, बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूल्स।